नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बेटनोवेट जीएम क्रीम के बारे में जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपसे बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बेटनोवेट जीएम ग्लेस्को कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो बहुत ही मशहूर कंपनी है। और ये बेटनोवेट जीएम 20 ग्राम का क्रीम है। और आइए इसकी एमआरपी जान लेते हैं। तो इसकी मार्केट प्राइस 28 रुपये है। और आइए अब जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है और ये क्रीम किसके काम में आती है। तो फ्रेंड्स, इसमें बेटा मेथासोन, जेंटामाइसिन और माइकोनाजोल नाइट्रेट होता है। और आइए अब जान लेते हैं ये क्रीम किस किस काम आती है और कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्रीम त्वचा में एलर्जी संबंधी विकारों के उपचार में उपयोग किया जाता है। यह बैक्टीरिया द्वारा होने वाले संक्रमण के इलाज में किया जाता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन इत्यादि के प्रयोग में किया जाता है। जैसे चेहरे पे अगर दाने निकल गए हों, छोटे छोटे खुजली हो रही हो, तो इस क्रीम को लगा सकते हैं। यह क्रीम रोगी को सूजन, लाली और खुजली से बहुत जल्द छुटकारा दिला देती है। इस क्रीम को लगाने से पहले अपने डॉक्टर से राय जरूर ले लेनी चाहिए। और आइए जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेटनोवेट जीएम क्रीम को दिन में एक या दो बार लगाना चाहिए। लगाने वाली जगह को साफ और सूखा रखें और लगाने से पहले और बाद में हाथों को ठीक से धो लें और जिस स्थान पर इस क्रीम को लगाए हैं उसे तुरंत मत धोएं, उसको लगा के छोड़ दें। और अब आइए जानते हैं कि इस क्रीम को कब नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको बेटामेथासोन या नियोमाइसिन या बेटनोवेट जीएम में मौजूद किसी भी सामग्री से एलर्जी हो तो इस क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। एक साल से कम उम्र के बच्चों को ये क्रीम नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो बेटनोवेट जीएम के बारे में पूरी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।